हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ मोनिका चौधरी एंड समी प्लांट इज़ माई टॉपिक। नाउ आई एम प्रेजेंटिंग अबाउट समी प्लांट। दिस इज़ द समी प्लांट। नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग द समी प्लांट। इसकी फैमिली है लेग्यूमिनेसी और इसका बोटेनिकल नेम है प्रोसोपिस साइनरेरिया ड्राइव। इसे कॉमन नेम जो है इसका प्रदेशों में, हर प्रदेश में अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कहीं पर इसे समी, कहीं पर तुंगा, कहीं पर छोकर कहते हैं। जब हम इसके गुणों की बात करते हैं तो इसके गुण होता है लघु, रूक्ष, ड्राई अर्थात। तो जब हम इसके रस की बात करते हैं तो इसका रस है कसाई तथा मधुर। और इसका विपाक के बारे में बोलेंगे तो वो होता है कटु। इसका वीर्य शीत होता है, किंतु इसका जो फल होता है वह उष्ण वीर्य का होता है। अब हम बात करते हैं इसके स्वरूप की। इसका छोटा सा मध्यम प्रमाण कटंकित वृक्ष होता है। इसके जो पत्ते होते हैं, जो पत्र, वे बबूल या खैर के समान ही छोटे शोधलिप्त होते हैं। इसके जो पुष्प होते हैं वो छोटे पिता पीले से अक्षीय 2-3 इंच लंबी मंजरियों में होते हैं। इसकी जो फली होती है वह 4 से 6 इंच लंबी, सीधी, चिकनी, लवंगोल, बीच बीच में संकुचित होती है, जिसमें 10 से 15 भूरे रंग के आयतकार चपटे बीज होते हैं। और इसकी शाखाएं जो होती है वो झुकी हुई तथा इसकी त्वक भी धूसर तथा रूक्ष होती है। अब हम बात करते हैं इसकी जाति की। इसकी एक छोटी भी प्रजाति है जिसे प्रोसोपिस स्टेफानियाना कुंत कहते हैं, जो पंजाब व गुजरात में पाई जाती है। निघंटुओं में इसे समीर कहा है। अब हम बात करते हैं इसके उत्पत्ति स्थान की। तो इसकी उत्पत्ति ज़्यादातर पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान आदि शुष्क प्रदेशों में होती है। इसके रासायनिक संगठन में इसकी जो पत्तियां हैं उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तथा कैल्शियम होता है। अब हम बात करते हैं इसके कर्म की। अगर हम इसके दोष कर्म देखते हैं तो यह है कि कफ पित्त शामक है। अगर श्वसन संस्थान में इसकी बात करते हैं तो ये कफ धन है। यह त्वचा में त्वक दोष हर है, यह शामक और मेदे है। इसकी छाल विषधन है। आभ्यंतर पाचन संस्थान में यह स्तंभन और कृमिधन है। बात करते हैं इसके प्रयोगों की। दोष प्रयोग में यह कफ पित्त जन्य विकारों में प्रयुक्त होता है। सांस्तिक प्रयोग, ब्राह प्रयोग में बिच्छू के दंश में इसकी छाल का लेप करते हैं। बालों को हटाने के लिए इसके फलों को जलाकर उसकी राख रगड़ते हैं, इसीलिए इसे केश नाशन भी कहते हैं अर्थात बालों का नाश करने वाला। नाड़ी संस्थान में बात करें तो ब्रह्म तथा मस्तिष्क दुर्बल्य में उपयोगी है। रक्त पित्त में भी यह उपयोगी है। चरम रोग, त्वचा रोग में मतलब अर्थात जितने भी त्वचा से रिलेटेड जितने भी रोग हैं उनमें यह बहुत ही लाभकार होता है। आगे इसके प्रयोगों की बात करते हैं तो कास श्वास में इसका प्रयोग होता है। अतिसार अर्थात डायरिया, प्रवाहिका, अर्श और कृमि में प्रयुक्त होता है। इसका जो प्रयोज्य अंग है वह इसके त्वक तथा फल है। फल केश नाशन होने के कारण इसके जो फल होता है उसे प्रयोज्य अंग कहते हैं। तो इसकी जो मात्रा ली जाती है, कितनी ली जाती है, वो क्वाथ के रूप में तो हम 50 से 100 मिलीलीटर लेते हैं तथा फल चूर्ण के रूप में 3 से 6 ग्राम लेते हैं। थैंक यू एवरीवन।